गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, जिसका नाम है कैपिटल गेन। क्या नाम बेटे? कैपिटल गेन। जिसको कैपिटल गेन से डर लगता है, जिसको कैपिटल गेन का कुछ भी नहीं आता, उसको बिल्कुल बिगनिंग से हम कैपिटल गेन सिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ ध्यान देना, आप इनकम टैक्स के अंदर पेपर में कैपिटल गेन का क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन आना तय है। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीए इंटर के लिए भी और सीए फाइनल के लिए भी। चलेगा, कैपिटल गेन होता है कैपिटल एसेट से। हम स्टार्ट कर चुके बेटा, कैपिटल गेन होता है कैपिटल एसेट से। सर सबसे पहले ये बताइए, व्हाट इज कैपिटल एसेट? व्हाट इज कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट क्या होती है? इसको शॉर्ट में बोलूं तो बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, जो एसएससी के पास है, सभी कैपिटल एसेट है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी नोन एज कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट, बट इट शैल नॉट इंक्लूड, इट शैल नॉट इंक्लूड। कैपिटल गेन में क्या क्या नहीं आता वो देख लीजिएगा। स्टॉक इन ट्रेड बाहर निकाल दिया, स्टॉक इन ट्रेड है, रॉ मेटेरियल है। स्टॉक इन ट्रेड को कई लोग रॉ मेटेरियल भी बोलते हैं या कंज्यूमेबल्स भी बोलते हैं। ये कैपिटल एसेट नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड बेचते हो, रॉ मेटेरियल बेचते हो, कंज्यूमेबल बेचते हो, तो इससे कैपिटल गेन नहीं आता, इसे बिजनेस की इनकम आती है। चलिएगा आगे है बेटे, और क्या नहीं होता? रूरल एग्रीकल्चर, मैंने रूरल वर्ड लिखा है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल एसेट नहीं होती। सर और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये इनको गोल्ड बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ये भी कैपिटल एसेट नहीं होती। और फोर्थ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, पर्सनल एंड मूवेबल, पर्सनल एंड मूवेबल भी कैपिटल एसेट नहीं होती। ये चारों चीज़ कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर निकाल रखी हैं। इट मींस ये जब भी बेची जाएंगी, एग्रीकल्चर लैंड जो गांव के अंदर है, गोल्ड बॉन्ड बेचे जाएं, स्टॉक इन ट्रेड भी के, ये जो आपकी पर्सनल है और मूवेबल जिसको मूव किया जा सकता है, इनसे कभी भी ज़िंदगी के अंदर कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। बट इस फोर्थ पॉइंट की कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है बेटा उल्टा, मतलब जो पर्सनल भी होंगी, मूवेबल भी होंगी, फिर भी कैपिटल एसेट मान ली जाएंगी, फिर भी कैपिटल एसेट मान ली जाएंगी, जिसको हमने एक निमोनिक के माध्यम से याद करते हैं, डीजे पास, डीजे पास, डी फॉर ड्रॉइंग, डी फॉर ड्रॉइंग, जे फॉर ज्वेलरी, डी फॉर ड्रॉइंग, जे फॉर ज्वेलरी, पी फॉर पेंटिंग, पी फॉर पेंटिंग। बेटे ये सारी पर्सनल है, मूवेबल भी हैं, फिर भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होती हैं, इसलिए इनके बेचने से भी कैपिटल गेन आता है। पी फॉर पेंटिंग, ए फॉर एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ आर्ट, फिर एक ए और है, एक ए और दूसरा ए, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, और क्या है सर? स्कल्पचर, एंटिक पीस, कोई पुरानी चीज़ें, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, कोई कला का सामान, कोई पेंटिंग, ज्वेलरी, ड्रॉइंग, ये सारी चीज़ें पर्सनल भी होती हैं, मूवेबल भी होती हैं, फिर भी इनके बेचने से कैपिटल गेन निकलता है, क्योंकि इनको सभी को कैपिटल एसेट का दर्जा दिया गया है, कैपिटल एसेट का दर्जा दिया गया है। फटाफट अब तक का जो लिखा रिवाइज कर लेते बेटा। कैपिटल गेन हमने स्टार्ट किया, हमने क्या स्टार्ट किया? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन किससे होता है? कैपिटल एसेट से होता है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या है? क्या है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन? आज हमने सीखी है, सेक्शन 214 के अंदर ये दे रखी है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी नॉन एज, किसी भी तरीके की
कैपिटल एसेट हो, सॉरी एसेट हो, अगर एसएससी के पास होल्ड है उसको कैपिटल एसेट बोलते हैं, बट इट शैल नॉट इंक्लूड, इसमें क्या क्या नहीं आता, स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं आती, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या गोल्ड बॉन्ड नहीं आते, और पर्सनल मूवेबल नहीं आता। पर्सनल मूवेबल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सेप्शन में आती हैं, जो पर्सनल भी हैं मूवेबल भी हैं, फिर भी इनको मान लिया जाता है क्या, कैपिटल एसेट, जिसको नाम का याद करने के लिए हमने क्या बना रखा है, डीजे पास। डी फॉर ड्रॉइंग, मेरे साथ साथ रिकॉल करें बेटा, जे फॉर ज्वेलरी, पी फॉर पेंटिंग, ए फॉर एनी वर्क ऑफ आर्ट, एक ए फॉर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एस फॉर स्कल्पचर, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सनल मूवेबल होने के बावजूद भी इन पे क्या निकलता है, कैपिटल गेन निकलता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कैपिटल एसेट के ट्रांसफर होने से जो कैपिटल गेन आया है, इस कैपिटल गेन के ऊपर हमें टैक्स देना ही देना होगा। इसके लिए चार कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। फर्स्ट, पहली चीज, कैपिटल एसेट होना चाहिए, कैपिटल एसेट से ही कैपिटल गेन आएगा। दूसरी चीज, इस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना जरूरी है, अगर इसको सेल परचेज ही नहीं करेंगे, देंगे ही नहीं, तो ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो फिर कैसी बात बनेगी। तीसरी चीज, ये जो ट्रांसफर है ये हमारे प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। बेटा हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 1/4/19 से 31/3/20, नेक्स्ट ईयर फिर ये क्या बन जाएगा, और हमारा असेसमेंट ईयर क्या है, 20 और 21। जब अगला साल आएगा तो 20-21 प्रीवियस ईयर बन जाएगा, 21-22 सस्पेंड ईयर बन जाएगा, ऐसे ही सोन होता रहेगा। तो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन कब निकलता है, पहली चीज कैपिटल एसेट होनी चाहिए, दूसरा उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना जरूरी है, तीसरा वो ट्रांसफर मस्ट बी इन आवर प्रीवियस ईयर, हमारे प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, और फोर्थ वो कैपिटल गेन जो निकल के आया है, ट्रांसफर होने से निकल के आया है, इसको कहीं डिडक्शन में, डिडक्शन या एग्जम्पशन ना मिली हो, माफ ना किया गया हो। अगर ये चारों कंडीशंस पूरी होती हैं तो कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्स पे करना ही करना होगा, जी सर। फटाफट बेटा एक बार फॉर्मेट सीख लेते हैं, एग्जाम के अंदर क्या फॉर्मेट फॉलो करना है कैपिटल गेन का। सबसे ऊपर लिखा जाता है सेल्स कंसीडरेशन, क्या लिखा जाता है बेटे, सेल्स कंसीडरेशन, इसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में आपने बेचा वो ऊपर लिख लिया, कितने में आपने खरीदा था, एक्वायर किया था, वो लेस हो जाएगा, लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेने के बाद अगर आपने उसके ऊपर कोई और खर्चा किया है, रिपेयर मेजरमेंट या कोई कैपिटल नेचर का खर्चा किया, जैसे घर लिया था, लैंड ली थी 10 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए का फ्लैट बनाया, या 15 लाख रुपए का घर लिया था, 10 लाख रुपए का एक एडिशनल फ्लैट बनाया, नॉर्मल रिपेयर इस इम्प्रूवमेंट के अंदर नहीं आती हैं, कौन सी नॉर्मल होती हैं और कौन सी एक्स्ट्रा होती हैं वो सारी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सेल कंसीडरेशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, इनको डिटेल में समझेंगे, बस एक बार फॉर्मेट ले लीजिए बेटा। फॉर्मेट क्या है, सबसे ऊपर लिखना पेपर में सेल कंसीडरेशन, लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं COA, क्या बोलते बेटा, COA। एक होता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेने के बाद जो खर्चा आपने किया कैपिटल नेचर का, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसको भी क्या कर दो, लेस कर दो। अगर कोई बेचते टाइम कोई सेलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं, जैसे कमीशन दिया आपने डीलर को, सेलिंग कमीशन अगर कोई है, इफ एनी अगर कोई है, तो उसको भी क्या कर देना, लेस कर देना। ये जो आ गया आपका, ये आ गया बेटा कैपिटल गेन, ये क्या आ गया बेटा आपका, कैपिटल गेन। लेकिन सवाल ये बेटे, ये जो अब निकल के आया है, ये जो हमने निकाला है कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब ये शॉर्ट टर्म को शॉर्ट में बोलते हैं STCG और लॉन्ग टर्म को शॉर्ट में बोलते हैं LTCG। गेन दो तरीके होता है का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर नुकसान हो जाए तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, जी की जगह एल आ जाएगा। क्या आप इस टर्म से वाकिफ हुए, जी सर। इस चैप्टर का जो स्कोप है बेटा, वो सेक्शन नंबर 45 से स्टार्ट होकर सेक्शन नंबर 55 तक जाएगा। इसके बीच का कोई भी सेक्शन अगर आपको दिखता है तो आप समझ जाना वो कैपिटल गेन का सेक्शन है, जी सर। चलेगा,
बाकी करते हैं बेटा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तक कहीं हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए, नेक्स्ट में एक ही कॉन्सेप्ट हम करते रहेंगे।